पूरे देश में इस बयान को लेकर चर्चा है, आपके और हमारे मंत्री हैं केंद्र में। गांधी जी लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं भाई, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो आपको उनका स्वभाव होता है। ताकत के बल पर चाहे जितने राकेट टिकैत टिकैत जितने हमें, मैं जो भी मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, दो कौड़ी का आदमी है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं दो कोड़ी का आदमी राकेश टिकैत, कुत्ते भौंकते हैं हाथी चलता है। तो ये देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भाषा है, आप इसका समर्थन करते हैं संजय जी? देखिए माननीय मंत्री जी को शायद राकेश टिकैत जी के बारे में मालूम नहीं है, राकेश टिकैत जी दो कौड़ी का आदमी नहीं है, राकेश टिकैत जी 1700 करोड़ के किसान है, उनकी आय संपत्ति 1700 करोड़ है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के इस स्टेटमेंट को नहीं मानता हूं, और उनको इसकी जानकारी रखनी चाहिए कि वो एक धनवान किसान है, वो एक किसान व्यापारी है, वो एक किसान के बहुत बड़े जो डीलर होते हैं ना, हिंदी में दलाल बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, किसान के डीलर है। संजय जी मंत्री मंत्री मत बोलिए, मंत्री मत बोलिए, अभी आप सिर्फ टैनी जी बोलिए। कारण है क्यों? कारण है जब आप टैनी जी का के राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि इनको इनको हटाना चाहिए, नहीं हटेगा तो मैं फिर सड़क घेरूंगा। अरे उनके ये देश जो है उनके इशारों पे चलता है क्या, कि हर काम के लिए मैं सड़क घेरूंगा? क्या शहर के अंदर 140 करोड़ आबादी नहीं है देश के अंदर? क्या देश के अंदर सिर्फ राकेश टिकैत चलते हैं? जब कानून अपना काम ढंग से कर रही है तो फिर किसको बेचैनी है भाई? काहे को वो टैनी के पीछे पड़े हुए हैं? और जो राकेश टिकैत को उन्होंने जवाब दिया है वो एक टैनी बन के जवाब दिया है, जब देश को जवाब देंगे। अच्छा, तो मतलब एक पिता बोल रहा था, एक पिता बोल रहा था, मंत्री नहीं बोल रहा था? एक वो टैनी बोल रहा था जिसके ऊपर राकेश टिकैत का डायरेक्ट उंगली था, राकेश टिकैत जिसको अपने, देखिए एक बात बताता हूँ, हाथ की बात रही निगम साहब, एक मंत्री और ये भाषा बोले नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी में आ रहा हूं। चावला साहब मुद्दे पे आ रहा हूं, रही बात कि जो ये किसान की किसानों का जो जबरन एक्सीडेंट कराया गया था उसमें सरकार को जितने ईमानदारी से काम करना था उसको किया। जबरन एक्सीडेंट मतलब मैं समझा नहीं संजय जी, जबरन एक्सीडेंट भाई जबरन एक्सीडेंट मतलब गाड़ी से धक्का मार के जो मारा गया, जो जबरन एक्सीडेंट ही तो कहलाता वो, गाड़ी को टक्कर जबरन एक्सीडेंट किसान के अंदर, मतलब लोग खुद मरे, किसान अपने आप मरे गाड़ी के नीचे? नहीं भाई, जबरदस्ती कुचल दिया गया, मेरे उसको शब्दों को ऐसे समझिए, जबरदस्ती कुचल दिया गया। उसमें सरकार जितनी तन्मयता से काम कर रही है कर रही है, और इससे पार्टी कुछ लेना देना नहीं है। संजय जी, भाई मैं आपकी बात समझ गया, नैतिकता के आधार पे उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मैं आपकी बात समझ गया, मैं उस पर भी आऊंगा। संजय जी, को घेरने के लिए, अपनी नेतागिरी करने के लिए बार बार टैनी जी को घेरने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक ठीक, आपने कहा ना कानून अपना काम कर रहा है, मैं उस पर भी आऊंगा। कर रहा संजय जी, बेटे के खिलाफ नहीं, हत्या का मुकदमा सिर्फ बेटे के खिलाफ नहीं चल रहा है कि माननीय मंत्री जी के खिलाफ, यह मामला जो है छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या से जुड़ा, उस केस को 22 साल हो गए संजय जी, 22 साल हो गए मगर फैसला अभी तक नहीं आया। हैरानी की बात यह है कि यह मामला 14 साल से सुनवाई और फैसले का इंतजार कर रहा है, कल इत्तेफाक से इस केस की सुनवाई, मगर 6 सितंबर के लिए अगली तारीख मुकर्रर हो गई। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के वकील ने नई अपील दायर कर दी है, मामले की सुनवाई का तबादला लखनऊ से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का हिस्सा लखनऊ बेंच है। चाल चरित्र और चेहरे की बात बीजेपी करती है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, वो बार बार ऐसे आपत्तिजनक बयान देता है, आप कह रहे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, और एक मामला खुद मंत्री के खिलाफ चल रहा है। जब तक हाईकोर्ट, आगे समझिएगा, ये हम नहीं कहते, कानून कहता, और हम ऑलरेडी कानून के भी छात्र रहे हैं, जब तक हाईकोर्ट उसे दोबारा ये नहीं कहता है कि नहीं ये मुजरिम है, तब तक अब आप उसको मुजरिम नहीं कह सकते। बिल्कुल सही, पहली बात जी, ठीक है ना सर, ये कानून है और इस कानून के तहत आप उसे मुजरिम नहीं कह सकते, तो वो कोई भी संविधान के दायरे में रहते हुए कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं से टिकट ले सकता है, मंत्री बन सकता है, उसमें कहीं कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है। सर ये दैनिक भास्कर की खबर है और तारीख पर तारीख में, तो अब मैं उसी पर आ रहा हूँ। आज चैनी का मामला है तो आप मुद्दा उठा रहे हो, सैकड़ों हजारों ऐसे गरीब लोग हैं
जिनका हाई कोर्ट में केस लंबित है वो मंत्री नहीं है, जेल के अंदर है। अगर ये टैनी नहीं होते, सुनिए, अगर ये टैनी नहीं होते तो शायद आज आप ये मुद्दा नहीं उठाते। सर 24 एक बात आप आगे बता देता हूं, एक सेकंड, बिल्कुल सही हो सकता है कि वो जानबूझ के छुट्टी लिया हो। हाँ, ये भी संभावना है। 24 मई को 11 जुलाई की जो तारीख दी गई, टैनी के वकील ने तारीख बढ़ाने की मांग की, तब भास्कर ने आगे लिखा कि इस पर अदालत नाराज हो गई और अदालत ने कहा क्या चाहते हैं आप, मुकदमा सुना जाए या फिर नहीं, तय करके बताइए क्या करना चाहिए, नहीं तो जब तक यह मुकदमा पूरा होगा अजय मिश्रा को कस्टडी में लेना होगा, यह कोर्ट का कहना है। अब मैं बताता हूं, मैं कह रहा हूं कि मिसयूज हो रहा है, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं ना, लेकिन मैंने यह मामला इसलिए बताया कि जब व्यक्ति खुद गृह राज्य मंत्री हो और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो और एक मुकदमा उसके बेटे के खिलाफ चल रहा हो तो फिर वो न्याय संगत उस पद पर कैसे रह सकता है, सवाल यह था। संजय जी, भावनात्मक रूप से आप अपनी जगह सही हो सकते हो, लेकिन न्यायिक संगत के तौर पर एक बेटे का गुना बाप कभी नहीं भुगतता है। सजा अगर कोर्ट बेटे को देती है तो बाप को सजा नहीं देती है। आप दिल पे हाथ रख लो, एक बात से संजय, आप संजय सही हो सकते हो संजय जी, लेकिन न्याय संगत आप नहीं। संजय जी, संजय दिल पर हाथ रख लो एक बार, फिर मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा, फिर दिल पर हाथ रख लो, यही आरोप अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे होते तो लुकआउट नोटिस जारी होता कि नहीं? ऐसा कोई दो उदाहरण बताइए जो अगर ऐसा आरोप लगा हो और लोकायुक्त का नोटिस जारी हुआ हो, मैं जानना चाहता हूं। आप देश के अंदर अभी मैं देखिए चावला साहब, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हो और आप रिसर्च करके बैठते हो और मुझे भी अच्छा लगता है रिसर्च के हिसाब से जवाब देना। आप ऐसा हमें चार उदाहरण बताइए जो देश के अंदर पद पर हो और उसके लिए जो है इस तरह की परिस्थिति का निर्माण हो जिसमें वो डायरेक्ट आरोपित ना हो। मेरे सामने सिर्फ एक ही उदाहरण है, वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी, एक ही उदाहरण। मैंने क्या बोला, जिन्होंने देश के सामने नजीर पेश की थी, चावला साहब, चावला साहब एक ही उदाहरण। आपने संविधान और नैतिकता का जिक्र किया तो आडवाणी जी ने जो इस्तीफा दिया था वो किस आधार पर दिया था? आडवाणी जी का नाम चार्जशीट में आ गया था, आप इसको भी समझिएगा, जरा इसको पढ़ लीजिएगा। आडवाणी जी का नाम चार्जशीट में आ गया था और तब आडवाणी जी ने यह कहा था कि जब तक मैं इसमें साफ नहीं हो जाऊंगा, पाक साफ नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं किसी पद पर नहीं रहूं। यानी वो फॉर्मूला टैनी जी पर अप्लाई नहीं होता? नहीं नहीं, यहां पर ये सर सुनो, ये चार्जशीट नहीं है, निचली अदालत ने उनको बरी कर दिया है, उस चार्जशीट को खारिज किया है। आपके देश में वो हत्या नहीं है।